हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क बहुत आसान तरीके से घर पे बनाया जाता है। ये फ्रेंड्स बाजार में भी आसानी से अवेलेबल है, बट हम घर पे भी बड़े आसान से बना सकते हैं और कम बजट में भी बना सकते हैं। ये फ्रेंड्स कंडेंस मिल्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। आप फुल क्रीम दूध लीजिए, इससे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये मैंने यहाँ पे शुगर ली है, आधा कप शुगर ली है। अगर आप ग्राम से नापेंगे तो 100 ग्राम शुगर है। और ये मैंने एक पिंच बेकिंग सोडा लिया है। अगर आप मेजर करेंगे तो 1/4 भी ले सकते हैं, ये सोडा है। और फ्रेंड्स हम ये दूध को नॉन स्टिकी पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे। फ्रेंड्स गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है, गैस की फ्लेम मैंने फुल रखी, हाई रखी है। और इसे हम एक उबाल आने तक इसका ध्यान रखेंगे। और अगर फ्रेंड्स आप नॉन स्टिकी पैन में बनाएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। अगर आपके पास नॉन स्टिकी पैन अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल जो रेगुलर आपका दूध बॉयल करते हैं उसमें भी आप ये कंडेंस मिल्क बना सकते हैं। कंडेंस मिल्क बॉयल फ्रेंड्स बहुत चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे आइसक्रीम्स में, केक में, कोई भी मिठाई बनाने में, बहुत ज़्यादा चीज़ों में ये यूज़ किया जाता है। तो हम घर पर आसान से बना सकते हैं। अब हम दूध में अच्छे से उबाल आने देंगे। देखिए हमारे दूध में उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें हम ये शुगर जो हमने ली थी ये इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट होने तक हम इसे चलाएंगे। अब फ्रेंड्स पेशेंस के साथ हमें धीरे धीरे इसे लो फ्लेम पे चलाते रहना है। लो मीडियम कर सकते हैं, मीडियम अगर आप चलाते समय थोड़ा मीडियम रखिए, फिर वापस लो कर दीजिए, बीच बीच में चलाते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप पतीले में बना रहे हो तो पतीले की तलह जो रहती है वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, उससे क्या हमारा दूध नीचे चिपकेगा नहीं। और दूध नीचे चिपकना नहीं चाहिए, नहीं नीचे चिपकेगा तो इसका टेस्ट जो है बिगड़ सकता है, इसलिए हम इसे ऐसे चलाते हुए लो फ्लेम पे पकाना है। ये हमारी शक्कर जो है पूरी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें ये बेकिंग सोडा जो हमने लिया था वो डाल देंगे। बेकिंग सोडा फ्रेंड्स हम डालेंगे तो एक बार हमारा दूध वापस ऐसे उबाल आएगा। चलाइए बीच बीच में और गैस की फ्लेम लो मीडियम करते रहिए और चलाते रहिए। इसकी कंसिस्टेंसी और थोड़ी पतली है और इसे और थिक होना चाहिए, इसे और थिक होने तक हम चलाते रहेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं ये दूध भी हमारा एकदम ठीक हो गया है थोड़ा सा, और इसका कलर भी जो है चेंज हो गया है, एकदम क्रीमी कलर हो गया है। इसे हम ऐसे कॉर्नर से सब हटाते हुए मिक्स करते हुए चलाना है। इसकी कंसिस्टेंसी और थोड़ी थिक चाहिए फ्रेंड्स हमें, इसलिए हम थोड़ा इसे और चलाएंगे। ये देखिए ये हमारा थिक हो गया है, इसे हम ठंडा होने देंगे तभी और ज़्यादा थिक हो जाएगा, इसीलिए हमें बस हमें इसे इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है, इसे हमें और थिक नहीं करना है। ये देखिए आप देख सकते हैं इसे हम बिल्कुल एकदम ठंडा होने देंगे, फिर हमारे जार में भर लेंगे। ऐसे इसे मैश करना है और कॉर्नर से इसे पूरा हटा के इसे अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए तो इसे 2 से 3 मिनट तक आप और चला दीजिए, ये थिक हो जाएगा। ऐसा ही चाहिए इसलिए अभी थोड़ा जैसे ठंडा हो रहा है, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा थिक हो रहा है, ठंडा होने देना है हमें इसे, छोड़ देना है। ये देखिए फ्रेंड्स इसे 1 घंटे के लिए हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब मैंने चार में डब्बे में भर लिया है, आप ऐसे कोई डब्बे में एयर टाइट कंटेनर डब्बे में भर दीजिए और इसे 1 महीने तक अपन फ्रिज में स्टोरेज कर सकते हैं। ये हमारा कंडेंस मिल्क बन के तैयार है। एक बात का फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि आप दूध को जब चलाते हैं तो हर 1-2 मिनट में चलाते रहिए और कॉर्नर से ऐसे निकालते रहिए, बीच में ये नीचे छिपकना नहीं चाहिए फ्रेंड्स दूध, वरना हमारा मिल्क का कंडेंस मिल्क का टेस्ट जो है थोड़ा बिगड़ सकता है। आप देख सकते हैं ये हमारा बनके तैयार है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए,